बच्चों तो चलिए अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। छोटी सी हमारी नदी। बच्चों कवि कहते हैं, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जो छोटी सी हमारी नदी है उसकी धार कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब उसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। और गर्मियों के दिन में जब पानी का स्तर नीचे हो जाता है और वह घुटने भर तक रह जाता है, तब यहाँ पर जो ढोर डंगर मतलब मवेशी या जानवर, जैसे गाय बैल भैंस है और बैलगाड़ी, सभी इसके पार निकल जाते हैं। और जो इसके किनारे हैं, उसके जो पार्ट हैं, वह क्या है? ढालू हैं। पेटी में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम। बच्चों जो इसके पेटे, पेटे मतलब कि तलहटी, जो नदी के ताल में मतलब नीचे की ओर रहते हैं, नीचे में, तो उसमें क्या है? नीचे नदी के नीचे में झकाझक बालू, झकाझक मतलब चमकीला बालू है और इसमें कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। और जो एक पौधा है कांस का फूल जिसमें लगता है कांस का फूल, तो वह किस तरह से दिखता है? जैसे घाम होता है ना, धूप, घाम यानी धूप जो रहती है, उसी के जैसे कांस का फूल एकदम चमकदार है, सफ़ेद है। और दिन भर मैना क्या करती है? डार डार, डार डार मतलब जो पेड़ों की डाली रहती है ना, उस पर जो मैना बैठती है, वह दिन भर किच पिच करके आवाज़ निकालती रहती है। और जब जैसे ही रात होती है तो जो सियार रहता है वह आवाज़ निकालता है। बच्चों आपको तो पता ही होगा कि सियार कैसे आवाज़ निकालते हैं। हाँ, हुआ हुआ करके सियार आवाज़ निकालते हैं। अमराई दूजे किनारे और तारवन, छाहों छाहों बामन टोला बसा है सघन। अमराई अर्थात आम का बाग। बच्चों नदी के किनारे में क्या है? आम के पेड़ हैं और ताड़ का वन भी है, ताड़ के वृक्ष हैं, बहुत सारे ताड़ के वृक्ष हैं। और जो उसी के छाहों में मतलब ब्राह्मण टोला, ब्राह्मण टोला मतलब जहाँ पर ब्राह्मण की बस्ती है, मोहल्ला है, तो वहाँ पर सघन यानी घना घना रूप से बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती है और वहाँ पे बसा हुआ है, वहीं रहते हैं वो लोग। और जो बच्चे कच्चे, कच्चे बच्चे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वह कछारों, कछार यानी नदी के किनारे जो जमीन घाटी रहती है उस पर वो लोग उछल उछल कर नहा रहे हैं। और जो गमछा रहता है ना, पहनने का गमछा, जैसे आप लोग टॉवेल पहनते हो, तो वैसे ही गमछों में वो लोग क्या करते हैं? पानी भर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर शरीर पर डालते रहते हैं। कभी कभी वे सांत सकारी निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। बच्चों और जैसे ही सांझ सकारी, सांझ मतलब शाम को, और सकारे यानी सुबह शाम दोनों समय, वो लोग क्या करते हैं? काम निपटा करके अपना काम क्या है, वो नदी में आती हैं, नहाती हैं और इस तरह से अपना नहाने का काम निपटा लेती हैं। और छोटी छोटी मछली मारे आंचल काकर छाना, वो आप चित्र में देखिए कि उन लोग क्या करते हैं, छोटा सा आंचल बना लेते हैं, आंचल में वो लोग मछली को पकड़ते हैं। और जो बहुएं रहती हैं गांव से आती हैं, और जो लोटा थाल अपना जो भी बर्तन रहता है उसको रेती रहता है ना, नदी में रेती रहती है, तो उससे रगड़ रगड़ करके वो साफ करती हैं, अपने कपड़े धोती हैं और जितने भी काम हैं वो सब नदी से निपटा करके फिर अपने घर में, और भी तो काम रहते हैं, उस काम को करने के लिए अपने घर के लिए चल देती हैं। लेकिन जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छुट्टी चलती तेज धार दन्हाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भौरी भौर आती है चंचल। बच्चों अब तो हुआ ये गर्मी के दिनों की बात, जब ढोर डंगर जो जानवर हैं वो घुटने भर भर पानी में आसानी से निकल जाते थे, तो
लेकिन जब आषाढ़ का मौसम आता है और पूरा नदी नाले सब भर जाते हैं, नदियाँ उतराती मतलब पानी से पूरी तरह से भर जाती है, तब उसका जो वेग रहता है, जो तेज धार रहती है, वो दन्न की आवाज़ से करते हुई बहती हैं। दन्नाती मतलब तेज आवाज़ से, दन्न की आवाज़ से करते हुई तेज गति से चलती हैं, मतवाली सी। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, उसका वेग और जो गति रहती है वो इतनी तेज रहती है कि उससे कोलाहल मतलब आवाज़ें होने लगती है और एक घिरनी भौरी बन जाती है। जैसे बहुत तेज बहती है ना नदी, तो उसमें भौरी बन जाते हैं। भंवर यानी तेज लहरों में पानी से बनने वाला गहरा गोला रहता है, जो तेज गति से बहने के कारण वहाँ पर भौरी बन जाती है। कब? जब आषाढ़ का मौसम आता है। और जो दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। बच्चों, तो फिर क्या होता है कि दोनों पारों के वन में, जिसे अमराई है और जो ताड़ के वृक्ष हैं, तो वन में क्या हो जाता है? रोला। रोला मतलब क्या होता है? शोरगुल और कोलाहल मच जाता है। और वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। टोला अर्थात जो छोटी बस्तियां रहती हैं, मोहल्ले रहते हैं, तो जब वर्षा ऋतु आती है तो उसके उत्सव में पूरा संसार, पूरा जग उठ जाता है और उत्सव मनाता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि रविंद्रनाथ जी की ये कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इस कविता को इसी लय में याद करें और वीडियो को दोबारा ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद बच्चों।